शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वी गिव अ ड्रीम टू एवरी चाइल्ड, सिरी एजुकेशन सिस्टम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं बच्चों? आज का आपका सबक है, फर्स्ट ईयर आपका सबक है नज़रिया पाकिस्तान, जिसके मुसन्निफ़ हैं डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान। तारीख़ पैदाइश 23 सितंबर 1912 और वफ़ात 25 सितंबर 2005। जबलपुर में पैदा हुए वालिद का नाम गुलाब ख़ान। अहम तसानीफ़ में इल्मी नक़ोश, तारीख़ इस्लाम अदबी जायज़ा। चलें हम चलते हैं नज़रिया पाकिस्तान का मुख्तसर सा आपके सामने मैं जायज़ा पेश कर देती हूँ कि मुसलमानों ने हमेशा रवादारी को अपना शेवा बनाया, लेकिन जब कुफ्र और लहाद अपना गलबा हासिल करना चाहता है तो मुसलमान इसके मुकाबले में डट के खड़ा हो जाता है। बादशाह अकबर की बेजा रवादारी और मुल्की सियासत में हिंदुओं के अमल दखल की वजह से बच्चों मुल्क में काफराना तौर तरीके इतना ज़्यादा राइज हो गए थे कि ये जो है मुसलमानों के आज़ादी उनके दीनी मामलों में भी ख़त्म होकर रह गई थी। इस सिलसिले में जो है मुजद्दद अरसानी ने बेड़ा उठाया और उस टाइम उन्होंने जहांगीर के ज़माने में दीन की खातिर कायदोबंद की सख्तियाँ झेली। उसके अलावा हैदर अली और सुल्तान टीपू ने भी ना सिर्फ हिंदुओं और अंग्रेज़ों का मुकाबला किया बल्कि अफगानिस्तान, तुर्की, फ्रांस को भी अपने साथ शामिल करने की कोशिश की, लेकिन मुल्क के दूसरे सरदारों ने उनका साथ नहीं दिया। 1885 में हिंदुओं ने कांग्रेस की बुनियाद डाली और ये जाहिर किया कि मुल्क की तमाम कौमों को उनके हकूक दिलाएंगे, लेकिन पता चला कि वह सिर्फ अपने हकूक का तहफ़ चाहते हैं। फिर जो है वो उन्होंने मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए शुद्धी तहरीक हिंदू बनाने के लिए शुद्धी तहरीक शुरू की और उनको ख़त्म करने के लिए संगठन की तहरीक भी शुरू की। नज़र पाकिस्तान में इस्लामी ज़िंदगी और कदरों का तसव्वुर बुनियादी हैसियत रखता है। नज़र पाकिस्तान का मकसद पाकिस्तान को एक इस्लामी फ़राही ममलकत बनाना है। हमें ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिसकी वजह से हमें अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शर्मिंदा होना पड़े, और हमारा जीना और मरना पाकिस्तान के लिए होना चाहिए। कौमी मफाद के सामने ज़ाती मफाद को दिल से निकाल देना चाहिए। हर किस्म की ग्रोहबंदी से बालातर होकर तमाम पाकिस्तानियों की फला बहबूद की कोशिश करना नज़र पाकिस्तान को फ़रोग देना है। अगर हमने नज़र पाकिस्तान को पेश नज़र रखा और अपने सीरत और किरदार को इसके मुताबिक ढालने की कोशिश की तो दुनिया की दूसरे कौमों में भी हमें इम्तियाज़ हासिल होगा और हम इस्लामी असूलों की रोशनी में पाकिस्तान को तवाना, मुस्तहकम और शानदार बना सकेंगे।